हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अंशु डिजिटल क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप एक नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको एक रसीद मिलता है, ठीक है ना, रिसीविंग। उस रिसीविंग से आप ये घर बैठे भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो राशन कार्ड है वो बना है या नहीं बना है, एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप घर बैठे भी चेक कर सकते हैं। राशन कार्ड की स्थिति जानने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च में टाइप करना है ईपीडीएस। ईपीडीएस टाइप करने के बाद आपको इंटर कर देना है। आपके सामने जो है पहला ही वेबसाइट आ जाएगा, epds.bihar.gov.in, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहां से डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर पे लिखा हुआ है आरसी प्रिंट, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे अप्लीकेशन स्टेटस का कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना जिला को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जिला को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अनुमंडल यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है। अनुमंडल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आरटीपीएस संख्या आपको फिल करना है। जब आप नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए होंगे उस समय आरटीपीएस काउंटर पे आपको एक रिसीविंग दिया गया होगा, उस पे आवेदन संख्या लिखा होगा, ठीक है ना। वही यहाँ पे आपको डालना है। आवेदन संख्या डालने के बाद आपको शो वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आरटीपीएस नंबर आ गया, यहाँ पे अप्लीकेंट का नाम आ गया, किसके नाम से राशन कार्ड अप्लाई किया गया है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं लिखा हुआ है आवेदन का अंतिम प्रोसेसिंग अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कर दिया गया है, राशन कार्ड प्रिंट लिया जा सकता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आपका राशन कार्ड जो है स्वीकृत कर लिया गया है। अब आप राशन कार्ड का प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको देखने को मिल जाएगा राशन कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं कि राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना। ऐसे दोस्तों, आप अपने अनुमंडल में भी जाएंगे तो वहां से आप अपना राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।